को लेकर क्या कहना चाहेंगे? रश्मि ओके रश्मि क्या करूँ अभी बताओ तो मैं शूट नहीं करूँ क्या? अरे तो मैं पूरा फ्रेम में आ रहा है ना तो मैं नहीं करूँ क्या? रश्मि को किस तरह सपोर्ट करें ये बताइए। हम किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं? अरे रश्मि इज लाइक अ फैमिली है, कम ऑन, मेरी बहन है, छोटी बहन मानता हूँ मैं उसको। और सपोर्ट परिवार में सपोर्ट नाम नहीं आता है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है। तो रश्मि को सपोर्ट कैसे कर रहे हैं मैं नहीं कहूँगा, लेकिन रश्मि इज ऑलवेज देयर फॉर अस एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर रश्मि। सो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट सपोर्टिंग, चाहे वो अच्छाई हो या उसकी बुराई हो या किसी भी हालात में वो हो, हमारा काम है उसको, अगर वो गलत कर रही है तो गलत बोलना और अगर अच्छा कर रही है तो डेफिनेटली अच्छा करना। सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन रश्मि केम टू मी दिस आइडिया कि मैं बिग बॉस जा रही हूँ, मैं सच बताऊँ टू बी ऑनेस्ट विद एवरीवन, आई डिडंट लाइक इट। आई सेड नो, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके जख्मों को खुरीदा जाएगा, जहाँ पे आपकी जख्मों को नमक छिड़का जाएगा, बाकी के कंटेस्टेंट जीतने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, तो अच्छा यही होगा कि तुम अवॉइड करो। लेकिन मैं इस सवाल, जो आपका सवाल, उसका जवाब आगे भी दूंगा कि मैंने जब उसको मना किया और इंसिस्ट कि मेरे को जाना ही है भाई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई सेड गो, आपको जाना है, अगर आपको कुछ और अगला स्टेप मिल रहा है आपके करियर में तो बहुत अच्छी बात है। सो वो गई और मैंने उसको सपोर्ट किया और आज भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उसको। बिल्कुल किया था, आपको मैं बताऊँ, ये मेरी धर्मपत्नी मेरे साइड में है, हमारी एनिवर्सरी थी और तब मैं अरहान से पहली बार मिला, तब अरहान को रश्मि ने पार्टी में लाया था जो कि बैरल मेंशन सहारा होटल में था, है वहाँ पे। तो आई वॉज शॉक एंड सरप्राइज क्योंकि उस पार्टी में मेरे और भी कई दोस्त थे जिन्होंने मुझे साइड में ले जाके कहा कि रश्मि के साथ ये लड़का क्या कर रहा है। सी आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमोलिश समबडीज पर्सनल कैरेक्टर हेयर, बट दिस ऑनेस्टली दिस इज़ वॉट हैपन दैट नाइट। उस रात मुझे बोला गया कि ये लड़का ठीक नहीं है और ये लड़का रश्मि के लायक नहीं है, वाहिद भाई आप समझाइए। आई सेड ये मौका नहीं है यहाँ पे ये सब बात करने का, मैंने अरहान को बुलाया, आप लोग अरहान से पूछिएगा, अरहान को बुलाया मैंने, अरहान ये मेरी बहन है, अगर आगे जाके कुछ उल्टा सीधा तेरे सामने आता है तो समझ लेना मेरा हाथ होगा और तेरे गाल होंगे, ये मैंने उसको उसी रात समझा दिया था। लेकिन तब तक बहुत नए थे ये लोग, बहुत सी बातें जो खुली हैं बाद में वो उस समय तक नहीं खुल के आई थी, मेरे दोस्तों ने भी जो मुझे कहना चाहा शायद उस रात को नहीं कह पाए वो, लेकिन बहरहाल जब वो एक रिलेशन शुरू हो गया था तो उस चीज़ के बीच में आना मुझे ठीक नहीं लगा। देखिए मुझे तो लगता है कि अरहान की सच्चाई आने के लिए ही बिग बॉस हुआ है इस साल,
मैं अपनी बहन की पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगा, अरहान ने रश्मि को यूज़ किया बिग बॉस जाने के लिए, क्योंकि उसको ज़रूरत थी एक कंधे की। अरहान ने अपना कंधा दिया, मुझे मालूम है किस वक्त से गुजर रही थी रश्मि, उसको एक सहारे की ज़रूरत थी इमोशनली, उसने अरहान ने अपना कंधा दिया, रश्मि ने ब्लाइंडली उस पर फेथ किया और अरहान को एक प्लेटफॉर्म मिल गया बिग बॉस जैसा। वरना मुझे बताइए आप लोग, अरहान कौन है? बिग बॉस अरहान को क्यों लेगा? वाई विल अरहान एंटर बिग बॉस? वाई नॉट वाहिद अली खान यार, मेरा तो कम से कम उससे ज़्यादा नाम है। लेकिन अरहान को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, अरहान ने यूज़ किया रश्मि को, अरहान अचीव्ड व्हाट ही वांटेड। रश्मि को धीरे धीरे ये बात पता चलने लगी दोस्तों के द्वारा, हालांकि हम कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते थे रश्मि को, बिकॉज आप जानती हैं कि बिग बॉस के अंदर हमारी एंट्री नहीं है। लेकिन जो हुआ, मैंने कहा, रश्मि के पर्सनल लाइफ के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। आई थैंक्स कलर फॉर दिस, आई थैंक सलमान भाई फॉर दिस, आई थैंक द इंटायर टीम ऑफ बिग बॉस, आई थैंक द पीआर ऑफ रश्मि देसाई, द पर्सनल पीआर जीविता और गुप्ता, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रश्मि को कन्विंस किया। लेकिन रश्मि के बारे में जिस तरह की बात हो रही थी कि उनको कोई सपोर्ट नहीं करा था, तो आप भी उनके काफ़ी करीबी है, लेकिन रश्मि को अरहान के पास क्यों जाना पड़ा मदद देने के लिए? देखिए, मैं भाई हूँ, मैं एक हद तक उसको सपोर्ट कर सकता हूँ। एक लड़की को भाई के कंधे से ज़्यादा दूसरे इमोशंस अटैचमेंट चाहिए। आप लड़के हैं, आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक लड़की जो एक इमोशनल होती है, वो एक इमोशंस भाई के साथ उतने नहीं शेयर कर सकती जो अपने बॉयफ्रेंड और अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर सकती है, टू बी ऑनेस्ट। रश्मि ने वो कंधा जो उसको चाहिए था वो अरहान से मिला उसको, अरहान ने उसको काफ़ी ब्लाइंडली रखा, अरहान ने अपनी पर्सनल लाइफ को उसके साथ शेयर नहीं किया। अरहान कहाँ से आता है, क्यों आता है, ये रश्मि को पता होने नहीं दिया। एक गेट टुगेदर में वो लोग मिले और अरहान उनके पीछे पड़ गया और मैसेजेस चालू हो गए और व्हाट्सएप चैटिंग, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है मेरे दोस्त, पहले जैसा नहीं है कि एक लड़की को पटाने के लिए आपको दो दो तीन तीन महीना इंतज़ार करना पड़ता था उसका नाम पूछने के लिए। आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि मुझे अगर कोई लड़की पसंद है तो मैं गूगल सर्च करूँगा, उसकी पूरी हिस्ट्री मेरे पास आ जाएगी। और अरहान वॉनबी है, वनबीज़ को किसी के पीछे लगने के लिए वक्त नहीं लगता, उसके पास कोई काम धंधा नहीं होता, उसके पास सिर्फ यही काम धंधा था कि किस तरह मैं फिशिंग करूं और रश्मि जैसी शख्सियत मेरे में फंसे, और रश्मि इमोशनल थी, वो फंस गए। मैंने कहा उसको, बिल्कुल देखिए मेरी बहन है वो, मैं उसको गलत हाथों में जाने नहीं दूंगा। लेकिन एक तरह मैं भी मजबूर हो जाता हूँ जब दो लड़का लड़की बोलते हैं कि मैं प्यार करता हूँ और मैं प्यार करती हूँ, तो मैं वहाँ कमज़ोर पड़ गया। मैंने उस रात को भी रश्मि को पूछा मेरी एनिवर्सरी वाली रात में उस पार्टी में कि रश्मि व्हाट इज़ दिस, शी सेड भाई आई लाइक दिस गाय, आई थिंक ही इज़ द वन। मैं चुप हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ, जब एक लड़का राजी एक लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। तो मैं इस बीच में मैं फ़ौरन वॉकआउट कर दिया, मैंने बोला नहीं, लेट्स द फ्लो गो ऑन, अपने आप सच्चाई पता चलती है, सच्चाई छुपती नहीं है। और यही देखने को मिला कि जैसे जैसे समय बीता और उसके तुरंत बाद, मेरे ख्याल से कम डिस्टेंस था, महीना दो महीने के बाद ही बिग बॉस हो गया, और उसके बाद उसके इतनी चीज़ें मेरे सामने आई कि मैं हैरान हो गया कि ये शख्स है कौन। और कई दोस्तों ने, कई मेरे वाइफ के सहेलियों ने मुझे कॉन्टैक्ट करना शुरू किया कि भाई व्हाट इज़ दिस गोइंग ऑन, अरहान मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। आई वाज शॉक, आई सेड क्या बोल रही हूँ तुम, बोले मेरे बॉयफ्रेंड है, मुझे डिच किया, मुझसे पैसे खाए उसने। तो ऐसे यार आपने मुझे पहले क्यों नहीं बोला, बोले भाई वी वर स्कैर्ड। देखिए एक एक भाई बहन के बीच में आने को लोग डरते हैं, मेरा रिलेशन रश्मि के साथ एक बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी सगी बहन के साथ है, शायद वो डर रही थी। लेकिन जब उनको प्लेटफॉर्म मिला, जब उन्होंने देखा कि अरहान इतना बड़ा हो गया, तो डेफिनेटली जेलसी भी आती है लोगों के अंदर, और एक लड़की सोचती है कि मेरे को डिच किया हुआ लड़का इतने आगे कैसे जा सकता है, और वो सही भी है। और इस लिहाज से उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया, तब से मैंने सोच लिया हाथ धो के कि भाई ये लड़का ये रश्मि की लाइफ में नहीं होना चाहिए। तब भी मैंने कई ट्वीट किए कि अगर रश्मि उसके साथ है देन आई एम नोबडी टू से एनीथिंग, लेकिन अगर जब रश्मि बोल देगी कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो अरहान क्या, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, अरहान का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। रास्ते पे आ गई थी, अरे क्या बात कर रही है, रास्ते पे आ गई थी, तुम उसके घर पे जाके क्यों रहने लगे, तुम उसकी गाड़ी क्यों यूज करने लगे, तुम उसके बैंक के अकाउंट से पैसा कैसे विड्रॉ करने लगा वो आदमी, हैं कैसे रास्ते में आ गई थी। अरे रास्ते में जिसका भाई इधर बैठा वो लड़की रास्ते में आ सकती है? अरे भाई अल्लाह ने, भगवान ने थोड़ी इज्जत हमें भी दी है, क्या हम अपनी बहनों को रास्ते में आने देंगे? दिस इज बिल्कुल, बोलते ना ये इल्ज़ाम जो उसने लगाया सरासर गलत है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। देखिए जब
पहलवान बोलते ना कुश्ती लड़ने उतरता है मैदान में तो वो अपने आप को तेल लगा के उतरता है, क्यों? क्योंकि दूसरा पहलवान उसको पकड़ना था। ये सब अपने आप को बचाने की चीज़ है और कुछ नहीं। मेरे दोस्त प्यार ना समझ ही होता है, आपने प्यार किया है दोनों तरफ से, है ना चीज़ें? ऑफकोर्स मैंने अभी कहा कि दोनों मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, लेकिन जब उसके बाद उसके सामने आई पूरी बातें कि भाई ये जो गलत हो रहा है इसने मेरे साथ, कई बातें रश्मि को छुपाई गई, उसके बाद रश्मि ने जो सामने लाई गई उनके प्यारों के द्वारा, उनके अपने लोगों के द्वारा कि भाई ये चीज़ें हैं, अगर ये सब चीज़ के बावजूद अगर तुम एक्सेप्ट करती हो तो ये तुम्हारी लाइफ है, लेकिन रश्मि ने सही सोचा कि भाई नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए। रश्मि देबोलिना वॉज द फ्रेंड आई थिंक जो अंदर ले जाके उसको कन्विंस की, तो बहुत अच्छी बात है कि जब आदमी के सामने सच्चाई लाई जाए और उस सच्चाई को वो अपनाए और कहे कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ, तो उसने वॉकआउट किया, उसने तब आके मीडिया के सामने कहा कि नहीं मुझे ये आदमी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। आपको लगता है रश्मि को जरूरत थी इसकी बिग बॉस में जाने के लिए? कब बैंक करप्ट हो गई थी? बैंक करप्ट क्या होता है मेरी दोस्त? कभी नहीं, रश्मि वॉज वेल टू डू एन एक्ट्रेस यार, ठीक है एक कलर्स का शो अगर उसका बंद हो गया तो दूसरा शुरू भी होता है। बैंक कर जी जी मुझे रश्मि से मिलवाया सना खान ने, सना खान जो हमारी एक्ट्रेस हैं काफ़ी नामचीन बॉलीवुड की, सना खान की बर्थडे पार्टी में हम रश्मि से मिले थे राइट, और वहाँ पर हमारी दोस्ती हुई, बहुत सुलझी हुई लड़की, बहुत सभ्य लड़की, इज्जत देने वाली, मेरी वाइफ की बहुत अच्छी दोस्त, मेरी वाइफ डिज़ाइनर हैं तो उनसे कभी कपड़ों को खरीद फरोख्त हुआ उनके साथ, तो उस आज तकरीबन 5 साल हो गए होंगे, 4 या 5 साल, 5 साल से मैं उनको जानता हूँ। और मेरी बहन एक है सगी, वो मेरे साथ नहीं रहती, वो शादी करने के बाद बाहर चली गई, तो मुझे कहीं ना कहीं रश्मि में अपनी बहन नज़र आती है और वो आगे भी नज़र आती रहेगी। सबसे पहली बात डिजर्व टू विन का मैं जवाब देता हूँ आपको, उसकी सच्चाई जो उसने शुरू से अपने आप को रखा है, अगर वो किसी से प्यार करती थी तो करती थी और जब नहीं करती है तो नहीं करती, ये ऑनेस्टी उसकी आप समझिए। एक लड़की को जो सपोर्ट चाहिए होता है वो सपोर्ट जब मिल रहा हो और जब वो लड़की को अचानक पता चलता है कि ये सपोर्ट गलत था, ये मेरे साथ धोखा था, तब भी अपने आप को संभाल के रखना एक बहुत बड़ी बात है। और रश्मि डिजर्व टू विन बिकॉज शी इज़ माई सिस्टर, शी डेफिनेटली डिजर्व टू विन, दैट्स योर सेकंड आंसर। और जहाँ तक उसकी बर्थडे की बात है, डेफिनेटली रश्मि ने पिछले साल बहुत अप्स एंड डाउन में गुजारा है, मैं भगवान से चाहूँगा कि आने वाला ये साल उसके लिए बहुत अच्छा हो, आने वाले समय में उसको काफ़ी शोज़ मिलें, काफ़ी फिल्में मिलें और जो उसकी एक ख्वाब है एक अपना प्रोडक्शन हाउस खोलने का, वो ख्वाब उसका पूरा हो, ऐसा मैं भगवान से चाहूँगा। हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।